वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नर्क के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला, उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, पर एक ना एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई मित्र, और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब मैं का अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे, जब भगवान आपसे प्यार करते हैं, तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है, तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है।
जिस प्रकार बछड़ा झुंड में से भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरु आ जाए। वो तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़िग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआ है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे।
चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ लें, कितने भी अच्छे अच्छे शब्द सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।